गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाठ 11 धरती के भीतर बसा नगर, एक अजूबे नगर की कहानी पढ़ रहे थे। उसमें एक विरोजा नाम के राजा थे जो यूक्रेन में रहते थे। उनके पास सोने चांदी हीरे मोतियों का अकुत भंडार था। वे बहुत कम बोलते थे, शांत स्वभाव के थे। अपने जो भी फैसले होते थे वे उंगलियों के इशारे से बताते थे। विरोजा को जंगलों में घूमने फिरने का बहुत शौक था। वो अक्सर जंगलों में घूमने निकल जाते थे, जानवरों के पीछे भागते थे, कभी उनको पकड़ने का प्रयास करते थे, कभी इधर जाते थे, कभी उधर जाते थे। इसी तरह एक दिन वो जंगल में अपने साथियों के साथ विरोजा घूम रहे थे और घूमते घूमते अपने साथियों के साथ घने जंगल में चले गए। वहाँ पास में ही एक छोटी सी लड़की को एक डलिया में खेलते हुए देखा। जब ध्यान से देखे तो वो लड़की बहुत महंगे कपड़े पहने हुई थी और विरोजा को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी देखकर विरोजा उस सुनसान जंगल में सोचने लगे कि अकेली लड़की इस सुनसान जंगल में क्यों है, इसका कोई अभिभावक आएंगे, यह सोचकर वह उसी जंगल में इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते विरोजा को शाम हो गया, लेकिन उस नन्ही बच्ची को लेने कोई नहीं आया। अब जंगल में ठंडी ठंडी हवाएं बहने लगी। तब विरोजा उस छोटी सी लड़की को लेके वापस राजधानी पहुंच गए। अब आगे हम लोग राजा विरोजा के महल में लड़की की खास देख रेख होने लगी। विरोजा उसे मेडोना कहा करता था। चंद्रमा की कलाओं की तरह वो बढ़ने लगी। युति होने पर मेडोना सुंदर से सुंदर परी से भी ज्यादा सुंदर दिखाई देने लगी। उसका रंग खुबानी जैसा था। आंखों की पुतलियां काली या नीली न थी, एकदम हरी हरी थी, जो देखता देखता ही रह जाता। मेडोना की कई आदतें भी औरों से अलग थी। वह किसी को दुखी नहीं देख सकती थी। उसे साफ सफाई बहुत पसंद थी। विरोजा ने खास तौर से आदेश दे रखा था कि सब कुछ मेडोना के मन का होना चाहिए। विरोजा उस लड़की को लेके अपनी राजधानी में वापस आ गए और वहां उस छोटी सी बच्ची का बहुत अच्छी तरह से देखभाल होने लगा। अब वो छोटी सी बच्ची का नाम रखे मेडोना। मेडोना अब धीरे 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 बड़ी होने लगी और बड़ी होते हो जैसे जैसे वो बड़ी होती थी वैसे वैसे उसकी खूबसूरती और बढ़ती जा रही थी। वो एक सुंदर परी के समान खूबसूरत लगती थी। खुबानी का अर्थ होता है एक प्रकार का पहाड़ी फल। उसका रंग दूध जैसा कोरा था, उसका रंग बहुत सुंदर था। उसकी आंख की पुतली जो है वो काली और नीली नहीं थी, एकदम हरी थी। वो देखने में बहुत सुंदर लगती थी। और मेडोना जो है इतनी खूबसूरत होते हुए भी वो बहुत परोपकारी स्वभाव की थी। मेडोना की कई आदतें औरों से अलग थी। वो कभी किसी को दुखी नहीं देख पाती थी और उसे अपने चारों तरफ साफ सफाई बहुत पसंद था। विरोजा के जो राजा थे वे अपने दास लोग को यह आदेश दे रखा था कि मेडोना का खास तौर पे अच्छे से उसका ध्यान रखा जाए, उसके सब कुछ उसके मन के जैसा होना चाहिए, जैसा वो बोलती है वैसा होना चाहिए। उसके चारों तरफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता था क्योंकि वो बहुत अच्छे स्वभाव की थी। मेडोना का हाथ मांगने के लिए कई राजकुमार उतावले थे। राजा विरोजा की अपनी कोई संतान न थी,
वह चाहता था कि मैडोना की शादी जिससे हो वह वहीं उसी के महल में रहे। उसे यह भरोसा नहीं था कि मैडोना किसी और राज में जाकर सुखी रह सकेगी। बिरोजा के बाद गद्दी भी उसी को मिलनी थी। आखिर फिनलैंड के राजकुमार पीटर से मैडोना की शादी तय हुई। पूरे एक महीने तक शादी की धूमधाम चलती रही। न जाने कितनी असरफियां लुटाई गई, कैसे कैसे जश्न मनाए गए। पीटर और मैडोना के रहने के लिए अलग से खास महल बनवाया गया। उसी में दोनों के दिन सुख से बीतने लगे। मैडोना बड़ी हो गई थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा सुनकर बहुत सारे देश के राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे, क्योंकि मैडोना जो है उस देश की राजकुमारी थी। राजा बिरोजा की अपनी कोई संतान नहीं थी, तो वह बिरोजा जो है मैडोना को ही अपनी संतान मान लिए थे। और बिरोजा का कहना था कि मैडोना जिससे भी शादी करेगी वह उसके देश में ही आके रहेगा, मीन्स मैडोना दूसरे देश में नहीं जाएगी। उसे यह भरोसा नहीं था, बिरोजा को यह भरोसा नहीं था कि मैडोना किसी और राज में जाकर खुशी पूर्वक रह सकती है। और बिरोजा का राजगद्दी भी उसी राजकुमार को मिलेगा जो मैडोना से शादी करेगा। बहुत सारे राजकुमार आए, अंततः फिनलैंड के राजकुमार पीटर से मैडोना की शादी तय हुई। फिनलैंड का राजकुमार पीटर था, उससे मैडोना की शादी तय हो गई। पूरे एक महीने तक शादी की धूमधाम चलती रही। ना जाने कितनी असरफियां, सोने के सिक्के को बोला जाता है असरफियां, लुटाई गई, कैसे कैसे जश्न मनाए गए। और फिर मैडोना का और पीटर का विवाह हो गया। पीटर और मैडोना के रहने के लिए एक अलग से बिरोजा ने अपने महल में एक खास महल बनाया, जिस महल में दोनों बहुत सुखी पूर्वक रहने लगे। एक दिन मैडोना महल के बगीचे में बैठी थी। ऊपर से कोई पक्षी उड़ा और उसने बिट कर दी। वह मैडोना के ऊपर आकर गिरी। उसका चेहरा तमतमा उठा। केसर मिले गुलाब जल से वह नहाई। उस दिन से मैडोना ने तय किया कि वह बगीचे में नहीं जाएगी। पीटर ने उसे तरह तरह से बहलाना चाहा, पर मैडोना उदास रहने लगी। सोचते सोचते यह तय किया गया कि धरती के भीतर एक नगर बसाया जाए। उस अजब नगर में सब कुछ हो पर पशु पक्षी न हो, इससे गंदगी का डर न रहेगा। मैडोना और पीटर सुखी पूर्वक अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे थे बिरोजा के राजमहल में। मैडोना बहुत खुश थी। अचानक एक दिन क्या हुआ, मैडोना अकेले बगीचे में बैठी हुई थी। उसी समय एक पक्षी ऊपर से आई और मैडोना के ऊपर बिट कर दी। यह देखकर मैडोना बहुत गुस्सा गई, राजमहल में गई और केसर मिला के गुलाब जल सब मिला के पानी से नहाई, लेकिन उसका गुस्सा खत्म नहीं होना। और उसी दिन से मैडोना तय कर ली कि आज से मैं बगीचे में नहीं जाऊंगी। वह उदास गुमसुम सी अब अपने महल में ही रहने लगी। यह देखकर सभी दुखी हो गए कि मैडोना अपने महल से नहीं निकलती है। पीटर ने उसे बहुत तरह से पहलाना चाहा, लेकिन वह उदास ही रहती थी, हंसना मुस्कुराना जैसे वह भूल ही गई थी। तब पीटर ने यह सोचा कि धरती के नीचे एक ऐसा नगर बसाया जाए जो सब कुछ बिल्कुल, किसने चाहा, पीटर ने यह चाहा कि धरती के नीचे एक ऐसा नगर बसाया जाए जो
जैसा धरती के ऊपर है वैसा हो, लेकिन उसमें पशु पक्षी ना हो, क्योंकि अब उसे गंदगी से का डर हो गया था कि फिर अगर कुछ हो जाएगा तो उसकी जो है पत्नी मेडोना वो फिर से उदास हो जाएगी और वह धरती के अंदर एक नगर बसाने का फैसला करता है। बच्चों, पाठ 11, धरती के भीतर बसा नगर। अभी तक हम लोगों ने जितने परिच्छेद पढ़े हैं उसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, जैसे खास तौर, गद्दी, फिनलैंड, असरफिया। इन सभी शब्दों को आप 3 बार लिखेंगे। कुछ शब्द हैं जिसका शब्दार्थ लिखेंगे। खुबानी, एक प्रकार का पहाड़ी फल। असरफिया, सोने के सिक्के। तमतमाना, गुस्सा होना। खास तौर, विशेष रूप से। आदेश, आज्ञा। और इसी परिच्छेद में जो प्रश्न है उसके उत्तर भी देखेंगे। मेडोना का स्वभाव कैसा था? मेडोना बहुत परोपकारी स्वभाव की थी। वह किसी को दुखी नहीं देख सकती थी तथा उसे साफ सफाई बहुत पसंद थी। मेडोना की शादी किससे हुई थी? मेडोना की शादी फिनलैंड के राजकुमार पीटर के साथ हुई थी। धन्यवाद बच्चों, अब नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।